हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम लोग यूनिट थर्ड के एक लास्ट पार्ट की बात करेंगे एंड द डिजीज इज स्ट्रोक। ये भी हमारा मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला ही एक डिजीज है। बात करते हैं कि एज पर डेफिनेशन क्या है स्ट्रोक। इट इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच पुअर ब्लड फ्लो टू ब्रेन रिजल्ट इन सेल डेथ। इसे एक लाइन का मीनिंग पहले समझ लीजिए कि अल्टीमेटली ब्रेन के किसी भी टिश्यू की या सेल की डेथ हो जाना बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड फ्लो। अब वो पुअर ब्लड फ्लो के कई सारे कारण हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसको हम CVA के नाम से भी जानते हैं, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट इस सिचुएशन को कहा जाता है, जिसमें हमारा सेरिब्रो वेस्कुलर एरिया में ब्लड की जो वेसल्स हैं उनका रप्चर हो जाना या उनमें ब्लॉकेज आ जाना, जिस वजह से ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स को या एरिया को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिस वजह से ब्रेन के टिश्यूज या उसकी सेल्स जो है वो डेड कर जाती हैं। और अगर ये 24 आवर्स तक सिचुएशन इसी तरह से मेंटेन हो गई तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी विच कैन कॉज डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ऑफ सेरिब्रोवेस्कुलर कॉज दैट परसिस्ट बियॉन्ड 24 आवर्स और इज इंटरप्टेड बाय डेथ विद इन 24 आवर्स। जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है सेरिब्रोवेस्कुलर कॉज की वजह से, और 24 आवर्स तक ये परसिस्ट कर सकता है, और सिचुएशन में अगर पेशेंट को मेंटेन नहीं किया जा सका, बैलेंस नहीं किया जा सका, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। स्ट्रोक के दो टाइप होते हैं बेसिकली, इस्चीमिक और हिमोरेजिक। इस्चीमिक वर्ड आपके लिए नया नहीं है, आपने सुना ही है, स्चीमिया, जहां पर ब्लड फ्लो की सप्लाई कम हो जाती है। तो इस्चीमिक स्ट्रोक में आप अगर डायग्राम में देखें तो ये आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर की ये आर्टरीज और वेन्स को दिखाया गया है, यहां पर ये एनोक्सिया सिचुएशन प्रेजेंट हुई है। क्यों हुई है? ड्यू टू थ्रोम्बस। यहां पर इनकी एक आर्टरी में, ब्रेन की एक आर्टरी में थ्रोम्बस आ गया, एक क्लोट आ गया, जिस वजह से आगे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ब्लड की सप्लाई जब फर्दर आगे नहीं होती है तो टिश्यूज में डेथ हो जाती है और ब्रेन के वो डिफरेंट पार्ट या वो वाला एरिया काम करना बंद कर देता है, जिससे पेशेंट को पैरालिसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। यहां पर हिमोरेजिक में देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्रेन की एक वेसल है वो किसी भी वजह से रप्चर कर गई है, ड्यू टू हाइपरटेंशन, ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस और एंटीकोएगुलेंट्स, तो यहां पर हिमरेज हो गया है, ब्लड बाहर आ गया है ड्यू टू द रप्चर ऑफ द वेसल्स। तो ये दो बेसिक टाइप हैं, इस्चीमिक और हिमोरेजिक। दोनों ही सिचुएशन में ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बिगड़ जाती है, ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर पाता सही से। इस्चीमिक स्ट्रोक को डिटेल में समझते हैं तो कि जो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे ब्रेन को डिफरेंट एरिया में ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं या जो आर्टरीज हैं, वो किसी भी वजह से जैम हो गई हैं, ब्लॉकेज हो गई है, या उनके अंदर क्लोट आ गया है, जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। तो अल्टीमेटली सप्लाई डिक्रीज हो गई है, सप्लाई के डिक्रीज होने की वजह से ब्रेन के टिश्यूज में डिसफंक्शनल सिचुएशन आ गई है, उसका जो एरिया है जहां जहां सप्लाई नहीं हो रही है वो काम नहीं करेगा। तो जो जो उस एरिया से पूरी बॉडी के जो हमारा सिस्टम कनेक्टेड रहेगा, अल्टीमेटली हम जानते हैं कि अगर ब्रेन के वो एरिया अफेक्ट हो जाएंगे तो बॉडी के वो पार्ट्स भी पूरे काम करना बंद कर देंगे जो ब्रेन के सेंटर से कंट्रोल होते हैं। इसके चार रीजन है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन एंड सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है कि किसी भी तरीके से ब्लड वेसल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, मतलब ब्लड क्लोट बन गया या कुछ भी, वहां पर ब्लड वेसल आपस में चिपक गई, मतलब अल्टीमेटली ब्लड वेसल चिपक गई या जाम हो गई या उसमें क्लोट आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिस वजह से आगे सप्लाई रुक गई। एम्बोलिज्म में क्या है कि क्लोट बना है या कहीं ना कहीं कोई एम्बोलस बन गया है, बट वो सीधा ब्रेन में नहीं बना, ब्रेन के अलावा किसी और ऐसे एरिया में बन गया जहां से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई आ रही थी, उस रास्ते में कहीं भी किसी एरिया में थ्रोम्बस या एम्बोलस बन गया है और वो फ्लो करते हुए आपका चला जाएगा ब्रेन तक, तो वहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन में क्या है कि जनरल डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, कि किसी भी सिचुएशन में आप सिर्फ एक नॉर्मल शॉक हो गया, आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया या आपको कोई इमोशनल शॉक लग गया और आपकी ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो गई, तो उसे सिस्टमिक हाइपोपरफ्यूजन कहेंगे। ऐसी सेम है सेरेब्रल वेनस, कि इसमें थ्रोम्बोसिस आ गया डायरेक्टली सेरेब्रल वेनस साइनस एरिया में, तो ये इस्चीमिक स्ट्रोक का एक मैकेनिज्म है। हेमोरेजिक में आपको दो तरीके से हेमोरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा, एक को बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल, जो कि सेरिब्रम के अंदर है, ब्रेन के अंदर वाले पोर्शन में है, और दूसरा है सब अरेकोनॉइड, जो कि ब्रेन के आउट पार्ट में है बट स्कल के अंदर है। तो पहले इंट्रा सेरेब्रल को हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना बिकॉज ऑफ आर्टरी बस्ट कर गई है कोई भी अंदर और ब्लीडिंग हो गई है, जिस वजह से वहां फ्लडिंग हो गई, टिश्यूज के चारों तरफ ब्लड फैल गया इस तरह से। ये ब्रेन का इंटरनल डायग्राम आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो है डायग्राम इमेज दिखा रहा है कि ब्लड अंदर ही फैल गया है,
किसी भी आर्टरी के रप्चर होने से या ब्लड के वेसल होने की वजह से। अब जितने एरिया में ये ब्लड फैल जाएगा ये क्लोट डेवलप कर देगा, तो उतने पर्टिकुलर पोर्शन के ब्रेन को काम करना बंद करवा देगा, जिससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट जो लिम्स है हमारी आर्म्स है वो भी काम करना बंद कर देंगी। इंट्रासेरिब्रल के साथ साथ इसमें एक सब अरेकिनॉइड हिमोरेज होता है। सब अरेकिनॉइड का मतलब है जो अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच के हिस्से में होता है। इसमें भी बेसिकली होगी ब्लीडिंग ही, लेकिन ये डायरेक्ट ब्लड के सॉरी ब्रेन के अंदर नहीं हो रही, ब्रेन के आउटसाइड एरिया के टिश्यूज में हो रही है, जिसे हम स्कल वाला पार्ट कहते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये जो ब्रेन है इसमें आप ये देखिए ये वाली जो सिचुएशन दिख रही है, ये चारों तरफ जो ये ब्लीडिंग सी दिखाई दे रही है इस तरीके से, यहां पर ये एक बस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई। इस बस्टिंग को इस डायग्राम से दिखाया गया है। अब ये ब्लड आपके अंदर वाले पार्ट में न जाके, ब्रेन के इंटरनल एरिया में न जाकर के ब्लड ब्रेन के बाहर वाले टिश्यूज को अफेक्ट कर रहा है, और ब्रेन के बाहर वाले टिश्यूज को अफेक्ट कर रहा है, दैट मींस स्कल के एरिया को कवर कर रहा है। स्कल के एरिया में प्रिसाइजली अरेकनॉइड मेटर और पाया मेटर के बीच का हिस्सा। अब ये अरेकनॉइड मेटर और पाया मेटर क्या है, आपने अगर ब्रेन का डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा दीज आर द डेलिकेट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस, जो कि ब्रेन के चारों तरफ से घेर के रखती है। इस डायग्राम में मैंने दिखा दिया है इसको कि ये आप देखिए सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है वो तो वैसे स्किन होती है हमारी, जहाँ हमारे बाल सर पे बाल होते हैं उसके नीचे स्किन है, फिर उसके नीचे जो सबसे मेन पोर्शन है हमारा वो है स्कल, जिसे हम कपाल या खोपड़ी कहते हैं। स्कल के नीचे जो सबसे पहले एक टिश्यूज लेयर आती है दैट इज ड्यूरा मेटर, उसके नीचे होती है अरेकनॉइड मेटर, फिर उसके नीचे सब अरेकनॉइड स्पेज, फिर उसके नीचे होती है पाया मेटर, और सबसे अंदर को होता है ब्रेन का पार्ट, ये वाला पोर्शन ये सबसे अंदर जाके होता है। तो यहाँ पर अरेकनॉइड मेटर और पाया मेटर के बीच में जो सब अरेकनॉइड स्पेस है, यहां पर अगर ब्लीडिंग हो जाएगी और वो ब्लीडिंग किसी भी आर्टरी या वेसल के रप्चर होने की वजह से अगर यहां ब्लड भर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे सबअरेकनॉइड हेमरेज। सिम्टम्स क्या है, जिस भी पेशेंट को किसी भी तरह का स्ट्रोक अगर हो गया तो वो उसकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में ट्रबल होनी स्टार्ट हो जाएगी, ना तो वो ठीक से बोल पाएगा ना किसी चीज को समझ पाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, फेस आर्म और लेग में नंबनेस होने लगेगी, सुनपन जिसको बोलते हैं या काम न करना, और उसको एक या दोनों ही आंखों से हो सकता है दिखना भी बंद हो जाए, हेडेक रहेगी उस पेशेंट को, और उसको वो चल नहीं पाएगा, वॉकिंग में भी उसको डिफिकल्टी आ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो 80% पेशेंट्स को ये वाला स्ट्रोक होता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में आर्टरीज जो हैं, जो ब्रेन के साथ आर्टरीज सप्लाई के लिए जुड़ी हुई हैं, वो किसी भी वजह से नैरो हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, या उनके अंदर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, अल्टीमेटली इस्केमिया अगर हो जाए, तो उस सिचुएशन को इस्केमिक स्ट्रोक कह रहे हैं। इसके दो कॉमन कॉज यहाँ पे बताए गए हैं, थ्रोम्बोटिक और एक एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक में क्या होता है, थ्रोम्बोटिक एरिया वो है जहां पर ब्लड क्लॉट किसी थ्रोम्बस की वजह से हुआ है, मतलब जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही थी, कोई भी ऐसी एक आर्टरी जिससे ब्लड जा रहा था ब्रेन को, उसमें थ्रोम्बस फंस गया, उसमें कोई क्लॉट फंस गया, अब आगे सप्लाई रुक गई। सप्लाई क्यों रुकी, क्योंकि जो क्लॉट है वो इट मे बी ए फैटी डिपॉजिट, जिसे हम प्लेग कह सकते हैं, या एथीरोस्क्लेरोसिस, जो आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस वहां डेवलप हो गया इस तरीके से, ये आर्टरी को अंदर से दिखाया जा रहा है, तो उस एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से आगे ब्लड की सप्लाई रुक गई, जिससे ब्रेन के डिफरेंट एरिया के जो है फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शंस हो गए हैं। एम्बोलिक में क्या हुआ कि इसमें भी बना तो ब्लड क्लॉट ही, लेकिन वो ब्रेन के अंदर टिश्यूज में या ब्रेन के अंदर आर्टरीज में नहीं बना है, ब्रेन से बाहर जहां से सप्लाई आ रही थी वहां किसी और एरिया में वो थ्रोम्बस या वो एम्बोलस बना, और फिर वो स्वेप्ट करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन के आर्टरीज में जाके नैरोइंग कर गया, जिस वजह से वहां लोज हो गया वो, और तब वो एम्बोलस कहलाया। ये इस डायग्राम से आप देखिए कि यहाँ ब्रेन को कर तो रहा है ब्रेन को अफेक्ट, बट डेवलप हुआ है वो हार्ट के पास या हार्ट से जुड़ी हुई ऐसी आर्टरी में जो ब्रेन को ब्लड लेके जा रही थी, तो ये इस तरह का एक एम्बोलिक स्ट्रोक इसको कहते हैं हम। हेमरेजिक में क्या है, कोई भी ब्लड वेसल ब्रेन के अंदर लीक कर जाए, रप्चर कर जाए, अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर वो हिमोरेज पैदा कर दे, ब्रेन के अंदर ब्लड फील कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को हम हिमोरेजिक स्ट्रोक का कारण कहते हैं। इसमें बेसिकली जो पैथोफिजियोलॉजी बताई गई वो ये है कि या तो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर हुआ होगा पेशेंट का, हाइपरटेंशन, या उसने ज़्यादा या ओवर ट्रीटमेंट एंटीकोएगुलेंट का ले लिया होगा, जिस जो ब्लड को थिन करने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर उसके एन्यूरिज्म पैदा हो गए होंगे ब्लड वेसल्स की वाल्स पे, जिसे वीक स्पॉट कहते हैं, ये किसी भी वजह से अगर हो गया तो हिमोरेजिक स्ट्रोक होने के पूरे पूरे चांस पेशेंट को हो जाएंगे। वैसे जो जनरली इस्केमिक स्ट्रोक 80% पॉपुलेशन को हो जाता है, जिसमें थ्रोम्बस ही मेन कारण है, यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम रहती है, या जो बहुत ज़्यादा शॉक अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो उन पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस है कि स्ट्रोक कैन समटाइम्स कॉज टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द ब्रेन लैक्स ब्लड फ्लो एंड विच पार्ट वाज अफेक्टेड,
कितनी देर तक वो स्ट्रोक है और कितने पार्ट में वो फैला है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी डिसेबिलिटी पैदा करेगा पेशेंट में, टेम्पोररी करेगा या परमानेंट डेथ ही करा देगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होंगे, जैसे पैरालिसिस, लॉस ऑफ मसल मूवमेंट, डिफिकल्टी टॉकिंग और स्वेलोइंग, मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिफिकल्टी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, पेन रहने लगेगा, पूरी बॉडी में पेन हो जाएगा, चेंजेस इन बिहेवियर एंड सेल्फ केयर एबिलिटी, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, मैनी स्ट्रोक प्रिवेंशन स्ट्रेटजी आर द सेम एज स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। मीन्स जैसे हम हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, हार्ट को अपने प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम मैकेनिज्म यूज करते हैं वही हमारा स्ट्रोक को मैकेनिज्म करने में काम आता है, कंट्रोल करने में काम आता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना चाहिए, किसी भी हालत में हाइपर नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइजिंग हमेशा करनी चाहिए जो कि स्ट्रेस को मैनेज करें, उस तरह की एक्सरसाइज करिए, हेल्दी वेट रखिए आप, सोडियम और अल्कोहल के अमाउंट को बिल्कुल लिमिट कर दीजिए, लोअरिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट इन योर डाइट, क्विट टोबैको, कंट्रोलिंग डायबिटीज, मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, ईटिंग ए डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अवॉइडिंग इलीगल ड्रग्स, कोई भी इलीगल ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। मेडिकेशंस क्या ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, या जो भी ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है, या तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लाइक एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रल, या फिर एंटीकोएगुलेंट जैसे हिपेरिन और वारफरिन, जो कि आपके ब्लड को थिन करने का या क्लोट को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज हिमोरेजिक स्ट्रोक होने के चांस रहेंगे। ओवरऑल थैंक यू, यहाँ पर हम लोग थर्ड यूनिट अपनी कंप्लीट कर दे रहे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिट फोर्थ स्टार्ट कर दूंगा, और फाइनली एक बार फिर से पूरे कॉलेज की फैमिली की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ ड्यू टू कोविड 19। थैंक यू सो मच।